स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, जो बायोलॉजी का यूँ समझ लीजिए कि नीट के लिए और बोर्ड्स के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कहने को तो टॉपिक बहुत आसान लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जान निकालने वाले यदि कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो इकोलॉजी से आते हैं। ज़्यादातर बच्चों के यदि कोई क्वेश्चन गलत होता है तो वो इकोलॉजी से होता है, ऐसा बच्चे बताते हैं और ये मेरा अनुभव कहता है। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस फूड चेन के ऊपर, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाएंगे, अजीबोगरीब क्वेश्चंस जो कि आपको उस वक्त एग्जामिनेशन हॉल के अंदर परेशान कर सकते हैं। इसीलिए आज मैं इस यूनिट को स्टार्ट कर रहा हूँ, इकोलॉजी यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं आज। आर यू गेटिंग? पारिस्थितिकी को आज स्टार्ट कर रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक भी है, कई सारे हजारों उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। जब हम लोग इकोलॉजी को पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे तो आप पाओगे कि आपको कम से कम भी दिमाग के अंदर 400 से 500 अलग अलग तरीके के उदाहरण और कॉन्सेप्ट्स दिमाग में याद रखने होंगे। तो वही पारिस्थितिकी या इकोलॉजी को आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और आज का मेरा थीम है इकोसिस्टम। आज की क्लास के अंदर हम जस्ट इकोसिस्टम, पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम या पारितंत्र है क्या चीज, क्योंकि इसको जब तक अपने नहीं समझेंगे तब तक हम इकोसिस्टम को बेहतर ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि ये जो इकोसिस्टम या जो पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र, एक ही बात है ना, इकोसिस्टम कहो पारिस्थितिक तंत्र कहिए या पारितंत्र कहिए, एक ही बात है। इस शब्द का प्रयोग, इकोसिस्टम या पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 के अंदर, 1935 के अंदर एक वैज्ञानिक था जिसका कि नाम था एजी टेंसले, उन्होंने सर्वप्रथम इसका क्या किया, प्रयोग किया। द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड बाय अ साइंटिस्ट इन द ईयर 1935 एंड दैट साइंटिस्ट वाज नेम्ड एज ए जी टेंसले। उसको क्या कहा था, ए जी टेंसले ने ये नाम इकोसिस्टम दिया। क्लियर है? अब इकोसिस्टम को अपने अलग अलग ढंग से समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली इकोसिस्टम है क्या, ये पारितंत्र है क्या, उसकी परिभाषा क्या है, उसको आप समझिए। पारितंत्र को प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई के रूप में देखा गया है। इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। क्या कहा मैंने, पारितंत्र को, इकोसिस्टम को प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई के रूप में देखा जाता है। इकोसिस्टम इज ट्रीटेड एज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नेचर। बात समझ में आ रही, क्रियात्मक इकाई माना गया है। आर यू गेटिंग? फंक्शनल यूनिट माना गया है, ठीक है। क्या कहा मैंने, पारितंत्र को प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई के रूप में माना गया है, एक फंक्शनल यूनिट के रूप में माना गया है, ठीक है। जहां जीव आपस में तथा आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जहां पर जीव तो आपस में क्रिया करते ही हैं, बात समझ में आ रही। पारितंत्र एक ऐसी प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है जहां पर जीव आपस में तो क्रिया करते ही हैं, साथ के साथ वे अपने आसपास के फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी परस्पर क्रियाएं दर्शाते हैं, राइट? मींस व्हाट इज इकोसिस्टम, इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। इट इज द इंटरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, विद द फिजिकल एबायोटिक एनवायरनमेंट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द इकोसिस्टम। तो एक बार पूरी परिभाषा को बता देते हैं कि पारितंत्र को प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट माना गया है, जहां पर जीव आपस में तो क्रिया करते ही हैं, तथा आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ भी क्या करते हैं, आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ भी क्रिया करते हैं, ऐसी इकाई को हम पारितंत्र कहते हैं। इज इट क्लियर? चलो अब एक और चीज, इसे परिभाषित करते हुए यह कहा जा सकता है, इसको अब मैं डिफाइन कर रहा हूं। कैसे डिफाइन करूंगा, ये जो ऊपर की बात अपन ने पढ़ी उसी को लेकर और मैं इकोसिस्टम को परिभाषित करता हूं।
इसे परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि किसी विशिष्ट स्थान पर, किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर पाए जाने वाले, किसी एक विशिष्ट स्थान पर पाए जाने वाले सभी जीव, किसी एक निश्चित स्थान पर पाए जाने वाले सभी जीव तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों द्वारा बने तंत्र को पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। बात समझ में आई बेटा? इसे परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि किसी एक विशिष्ट स्थान पर पाए जाने वाले सभी जीव तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों द्वारा बने एक तंत्र को ही हम इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र के नाम से जानते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? इसकी परिभाषा क्लियर है? अब एक वैज्ञानिक हुआ जिनका के नाम था ओडन, बहुत बड़ा नाम है इकोलॉजी से संबंधित, ठीक है। ओडन ने 1963 में यह बताया, ओडन के अनुसार पारितंत्र पारिस्थितिकी की मूल क्रियात्मक इकाई है जिसमें जैविक समुदाय तथा अजैविक पर्यावरण दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मीन्स बोथ द बायोटिक कम्युनिटी एंड द ए बायोटिक एनवायरमेंट इफेक्ट ईच अदर। ओडम ने 1963 में यह बताया कि पारितंत्र या पारितंत्र पारिस्थितिकी की मतलब इकोसिस्टम इकोलॉजी की एक मूल क्रियात्मक इकाई है। इट इज द बेसिक और आई कैन से फंडामेंटल फंक्शन यूनिट जिसमें कि जैवीय समुदाय मतलब बायोटिक कम्युनिटी तथा अजैविक पर्यावरण यानी कि एबायोटिक एनवायरनमेंट दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? प्रभावित करते हैं। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं मतलब जैविक समुदाय और अजैविक पर्यावरण दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? प्रभावित करते हैं। ये जो स्टेटमेंट दिया था राइट, ये किसने दिया था? ओडम ने दिया था और ये स्टेटमेंट बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब पारितंत्र की बात करते हैं, दिमाग में पारितंत्र की कल्पना करते हैं हम लोग, इमेजिनेशन करते हैं कि पारितंत्र आखिर हम किसको माने। तो पारितंत्र का आकार एक छोटे से तालाब से लेकर एक बड़े जंगल या महासागर तक हो सकता है, यहां तक कि अपन जो घर में एक एक्वेरियम बनाते हैं मछलियों को रखने के लिए, एक छोटा सा जो एक्वेरियम बनाते हैं वो भी अपने आप में क्या है? एक पूरा इको सिस्टम है। आपके घर के बाहर जो लॉन है, एक छोटा सा उद्यान है, वो अपने आप में क्या है? एक पारितंत्र है, क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं कि पारितंत्र का इकोसिस्टम का जो आकार है वो एक छोटे से तालाब से लेकर और एक बड़े महासागर या जंगल जितना हो सकता है। तो पारितंत्र की कोई लिमिट नहीं है, वो बहुत छोटे से लगाकर बहुत बड़े तक हो सकता है। आज आप महासागरों को देखो तो दूर दूर तक निगाह घुमाओगे तो आपको कभी उसका कोई छोर दिखने वाला नहीं है, है ना। आज यदि अमेजोन के जंगल को देखोगे तो कितने वो विशाल है। तो अपने आप में ये सब पारितंत्र है, ठीक है। तो पारितंत्र का जो आकार है वो छोटे से लगाकर और बहुत विशाल एक जंगल या महासागर हो सकता है, ठीक है। अब अनेक पारिस्थितिक वैज्ञानिक, बहुत खास बात समझने की कोशिश करना, अनेक पारिस्थितिक वैज्ञानिक मतलब बहुत सारे ऐसे इकोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं जो संपूर्ण जीव मंडल को, संपूर्ण जीव मंडल मतलब पूरे बायोस्फीयर को ही एक ग्लोबल इकोसिस्टम मानते हैं। क्या कहा मैंने? एक विश्व पारितंत्र मानते हैं, आई कैन से ग्लोबल इकोसिस्टम मानते हैं। समझ में आ रहा है? अनेक पारिस्थितिक वैज्ञानिक जो है वो पूरे के पूरे जीव मंडल को ही, पूरा जीव मंडल समझते हैं जी, जो पूरा समस्त संपूर्ण जो जीव मंडल है, पूरा के पूरा जो बायोस्फीयर है उसको एक ग्लोबल इकोसिस्टम या विश्व पारितंत्र के रूप में मानते हैं, जिसमें पृथ्वी के सभी स्थानीय पारितंत्र समाहित हैं, जिसमें कि क्या होते हैं उस विश्व पारितंत्र में या उस जीव मंडल में इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी स्थानीय पारितंत्र क्या है उसमें बेटा? शामिल है। क्योंकि यह तंत्र, ये जो विश्व पारितंत्र आप जिसको कह रहे हो, जिसमें संपूर्ण जीव मंडल को ही एक पारितंत्र मान लिया गया है, क्योंकि यह तंत्र बहुत विशाल है, इट्स टू मच बिग, क्योंकि ये जो पूरा के पूरा जो आप ग्लोबल जो इकोसिस्टम पढ़ रहे हो ये तो बहुत बहुत बड़ा है, ठीक है, विशाल है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी है, जटिल भी है। अतः अध्ययन की सुविधा के लिए इसे दो प्रकारों में बांटा गया है। इसलिए टू स्टडी दिस टाइप ऑफ द ग्लोबल इकोसिस्टम, यदि हम पूरे के पूरे
विश्व पारितंत्र को, ग्लोबल इकोसिस्टम को यदि हम डिटेल के अंदर पढ़ना चाहते हैं तो उसको आसान बनाने के लिए हमने समस्त पारिस्थितिक तंत्र को या पारितंत्र को दो प्रकारों में बांट दिया है। यदि हम दो प्रकारों में उसको बांट देते हैं तो थोड़ा सा इकोसिस्टम की स्टडी करना हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों, आसान हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ते हैं पारिस्थितिक तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक तो क्या होता है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का मतलब होता है नेचुरल इकोसिस्टम, इसको क्या कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। और एक जो होता है वो होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, इकोसिस्टम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है ना, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अभी मैं जब एग्जांपल दूंगा आपके सामने आएंगे तो आपको अपने आप धीरे धीरे मालूम पड़ेगा कि हाँ ये प्राकृतिक इकोसिस्टम है और एक कृत्रिम इकोसिस्टम है। तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र इज गवर्न्ड बाय नेचर, इसको गवर्न कौन करता है, इस पारिस्थितिक तंत्र को इसका नियंत्रण कौन करता है, गवर्न कौन करता है इसको, प्रकृति करती, इसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं है, देयर इज नो ह्यूमन इंटरफेरेंस। यहां पर ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को किसने गवर्न किया, किसने बनाया है, नेचर ने बनाया, ठीक है, मैन मेड नहीं है ये प्रकृति ने बनाया। और जो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र जैसे कि नेम शो कर रहा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, तो ये मैन मेड इकोसिस्टम से, दे आर गवर्न बाय मैन, ये जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम है, दे आर गवर्न बाय नेचर, इनको नेचर जो है वो बनाती है, इनको मानव बनाता है। ये मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है, ये प्रकृति निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। अब यदि मैं प्राकृतिक पारिस्थितिक की बात करूं, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की बात करूं, तो चीजों को और आसान बनाने के लिए, चीजों को और इलोबरेट रूप से पढ़ने के लिए मैं कहूंगा कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को दो श्रेणियों में बांटा गया, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और जलीय पारिस्थितिक तंत्र। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और जलीय पारिस्थितिक तंत्र को हम क्या कहेंगे, जलीय पारिस्थितिक तंत्र को हम कहेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम। जलीय का मतलब क्या होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। और स्थलीय का मतलब क्या होता है बेटा, स्थलीय का मतलब क्या है, टेरेस्ट्रियल, इसको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। समझ में आ रहा है, वन इज नॉन इज द एक्वेटिक इकोसिस्टम, जलीय पारिस्थितिक तंत्र, और दूसरा जो है वो कौन सा है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। अब ये जो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है इसको तीन श्रेणियों में यहां पर दिखाया गया है। देखो, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, घास स्थल पारितंत्र, घास के मैदान पारितंत्र, आप यूं भी कह सकते हो घास के मैदान पारितंत्र या घास स्थल पारितंत्र। ग्रासलैंड इकोसिस्टम बहुत कॉमन सा इकोसिस्टम है, प्रॉपर टाइम आएगा तब आपको ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम या जो घास स्थल पारितंत्र है, राइट, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। वन पारितंत्र हम आगे चलकर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, आपको मालूम है हर चीज हम लोग डिटेल में ही पढ़ते हैं, अधूरा नहीं पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, क्वालिटी के साथ में पढ़ेंगे, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी के साथ में पढ़ेंगे। सो वन पारितंत्र, वन पारितंत्र, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, आप भाई घास स्थल पारितंत्र हो या वन पारितंत्र हो या मरुस्थलीय पारितंत्र हो, अभी मानव निर्मित नहीं है, डेजर्ट मानव ने नहीं बनाए, फॉरेस्ट मानव ने नहीं बनाए, ग्रासलैंड्स मानव ने नहीं बनाए, ये प्रकृति ने ऑलरेडी बना दी है। तो ये सब किस में आते हैं, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में आते हैं, दे ऑल कम अंडर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये किस में आते हैं बच्चों, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर आते हैं, क्लियर है। तो घास के मैदान या घास स्थल पारितंत्र, वन पारितंत्र, मरुस्थलीय पारितंत्र, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, दे ऑल आर वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या स्थलीय पारितंत्र के उदाहरण है, क्लियर। अब आ जाते हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र, जलीय एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब इस एक्वेटिक इकोसिस्टम की यदि मैं बात करता हूं तो फिर से इसको और आसान बनाने के लिए हम इसको दो श्रेणियों के अंदर पढ़ते हैं, अलवणीय पारिस्थितिक तंत्र और लवणीय पारिस्थितिक तंत्र, दो श्रेणियों में बांटते हैं। क्या कहा बच्चों, एक होता है अलवणीय पारिस्थितिक तंत्र और दूसरा लवणीय पारिस्थितिक तंत्र। अलवणीय पारिस्थितिक तंत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फ्रेश वॉटर इकोसिस्टम,
और ये जो लवणीय पारिस्थितिक तंत्र है इसको क्या बोलते हैं बेटा, सेलाइन इकोसिस्टम। आप चाहो तो इसे मैराइन इकोसिस्टम भी कह सकते हो, है ना, मैराइन इकोसिस्टम, क्योंकि समुद्र क्या होता है, लवणीय होता है, तो मैराइन इकोसिस्टम या जिसको कि हम बोलते हैं सेलाइन इकोसिस्टम, लवणीय पारिस्थितिक तंत्र। ऑलराइट, तो अब अलवणीय पारिस्थितिक तंत्र में एग्जांपल क्या है, आपके आसपास आप खूब सारे नदी झरने झील तालाब देखते हो, है ना, नदी नदी झरने तालाब झील, ये सब अलवणीय पारिस्थितिक तंत्र है। अभी मानसून का सीजन है, चारों तरफ झमके मेघ बरस रहे हैं, भारत के अंदर खूब मेहरबानी हो रही है इंद्र भगवान की, तो आप देख सकते हो कि सारे तालाब नदी झरने झील इत्यादि लबालब हो चुके हैं, ठीक है, और अच्छा भी है भाई, जली जीवन है ना। तो तालाब नदी झरने झील इत्यादि ये सब किस में आते हैं, अलवणीय पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आते हैं। और लवणीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो जैसे समुद्र है या कुछ लवणीय झीलें होती है, राइट, या जिसको कि हम बोलते हैं ना डेट इज ओशियंस, या जितना भी जो मैराइन कंडीशंस होती है, समुद्र वगैरह जो है, लवणीय झीलें, वो सब लवणीय पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आती है। समझ में आ रहा है? नाउ ये जो अलवणीय पारिस्थितिक तंत्र है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, इसको और ज्यादा इलोबरेट करने के लिए हमने एक और क्लासिफिकेशन दे दिया है। आप देख सकते हो कि तालाब का पानी आपके आसपास गांवों में शहरों में जो तालाब है उसका पानी स्थिर रहता है, बहता नहीं है। झील का पानी स्थिर होता है, बहता नहीं है। नदी का पानी प्रवाहित होता रहता है, झरने का पानी प्रवाहित होता रहता है, है ना। तो हमने क्या किया, अलवणीय पारिस्थितिक तंत्र को भी दो श्रेणियों में बांट दिया है। अंग्रेजी में मैं कहूं तो एक होता है बेटा लॉटिक और एक होता है लेंटिक वर्ड। क्या कहा मैंने, एक होता है लॉटिक एक होता है लेंटिक। तो प्रवाहित, लॉटिक को हिंदी में कहते हैं प्रवाहित और लेंटिक को हिंदी में कहते हैं स्थित। तो जैसे हिंदी वर्ड लिख दिया है तो आप चीजें क्लियर हो गई है। लॉटिक का मतलब होता है प्रवाहित, मतलब ऐसा अलवणीय पारिस्थितिक तंत्र जिसमें जल बहता रहता है, ठहरता नहीं है। आप देख सकते हो नदी कभी ठहरती नहीं है, नदी चलती रहती है, ठीक है। तो लॉटिक मतलब प्रवाहित जल, मतलब ऐसा अलवणीय पारिस्थितिक तंत्र जिसमें जल प्रवाहित होता रहता है, बहता रहता है, ठहरता नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे नदी। और लेंटिक क्या होता है, स्थिर। ऐसा पारिस्थितिक तंत्र, ऐसा अलवणीय पारिस्थितिक तंत्र जो स्थिर होता है, मतलब जिसमें जल ठहरा हुआ होता है, एक जगह पे बंधा रहता है, स्थिर रहता है, बहता नहीं है, जैसे तालाब है, झील वगैरह है, है ना, पॉन्ड हुआ, लेक हुआ, ये सब लेंटिक के उदाहरण है। तो कई बार परीक्षा में लेंटिक और लॉटिक के ऊपर भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, क्लियर। तो ये जो मेरा आज का जो वीडियो था ना बच्चों, ये इकोसिस्टम का इंट्रोडक्शन था, है ना। ये आज का जो वीडियो है वो क्या था, इकोसिस्टम का परिचय था। और अब धीरे धीरे मैंने जब इकोसिस्टम अब चालू किया है, इकोलॉजी को आज शुरू किया है, तो हम धीरे धीरे इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस लेकर आएंगे। ये आज पहला वीडियो था, स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ेंगे, एक एक चीज को पढ़ते चले जाएंगे, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हम धीरे धीरे सारी चीजें इकोसिस्टम के अंदर कवर करेंगे, एक एक चीज कंपेयर करेंगे, और साथ के साथ मैंने इस इकोलॉजी के ऊपर कुछ MCQs भी बना रखे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इंग्लिश मीडियम के अंदर और हिंदी मीडियम के अंदर इकोलॉजी के ऊपर MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के वीडियोस बना रखे हैं। शायद मेरे ख्याल से मैंने 5-6 पार्ट्स बना रखे हैं, उनको जरूर देखिए, आप लोगों को फायदा होगा, है ना। और आने वाला जो नीट है उसके लिए भी तैयारी जबरदस्त रखिए, ये दिन वापस नहीं आएंगे, ये सोचकर तैयारी कीजिए, रातों की नींद अब भूल जाइए, पूरी तैयारी के साथ में लगिए, जम के लगिए, NS जैन आपके साथ में है, हम जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।